आपके पास एक पुराना होम थिएटर है खिस्सा पीटा वाला और आपको उसको ब्लूटूथ करना चाहते हैं, यानी कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं इस वीडियो को मैं एक अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा एक ब्लूटूथ डिवाइस का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास से फ्लिपकार्ट का पैकेजिंग है जहाँ पे मतलब कहीं भी लिखा नहीं है कि फ्लिपकार्ट की तरफ से आया है। तो मैं इसको खोल चुका हूँ आज देखने के लिए कि अंदर चीज़ है कि नहीं, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं चलिए। तो आप देख सकते हैं इसका पैकेजिंग का हालत भी बहुत घिसा पिटा हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह पे ये चिपक गया इधर उधर करके। तो चलिए प्रोडक्ट मतलब बॉक्स से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रोडक्ट हम देखेंगे कैसा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वायरलेस म्यूज़िक रिसीवर, यानी कि ब्लूटूथ रिसीवर है। आप इसे कार में म्यूज़िक सिस्टम में और अपनी ब्लूटूथ ईयरफोन्स, अगर आप ईयरफोन को ब्लूटूथ करना चाहते हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। और इसका जो वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है वो वायरलेस म्यूज़िक करके लिखा हुआ है, वर्जन कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और इस जगह आप देख सकते हैं प्रोडक्ट फीचर दिया गया है, ऑपरेशन स्टेप दिया गया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन जो है वायरलेस है, ठीक है, और सपोर्ट करता है ऐसा। और 12.5 वोल्ट इसको कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पे कुछ मेड इन चाइना करके लिखा हुआ, यानी कि ये चाइना का प्रोडक्ट है, कोई इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं फटाक से, देख लेते हैं कि अंदर का प्रोडक्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पैकेजिंग के अंदर एक ब्लूटूथ रिसीवर है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑक्स केबल दिया गया है जो बहुत ही छोटा है लेंथ में। आप इसको खोल के आप दिखा देता हूँ कि इसका लेंथ जो है बहुत ही छोटा है, मतलब कोई काम का नहीं है, देख सकते हैं आप, बहुत ही छोटा लेंथ का है, आप देख सकते हैं, मतलब पूरा छोटा है, ठीक है। और ये जो है वो ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर है, ठीक है। तो इसमें एक ही दिक्कत है, ये जो ऑडियो रिसीवर है इसमें कोई इनबिल्ट बैटरी नहीं है, यानी कि अगर आप ये चलाना चाहते हैं तो इसको आपके होम थिएटर में USB पोर्ट में कनेक्ट करके उसके बाद इसे रिसीव करना होगा, ठीक है। यानी या आप इसको चार्जर में कनेक्ट करके भी चला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको चला के आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं, मुझे पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊँगा ये प्राइस की सबसे जस्टिफाई है कि नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं एक चार्जर लेके आया हूँ जो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर के 1.5 एम्पियर का चार्जर है। इसे आप चला सकते हैं या पावर बैंक से चला सकते हैं या आप होम थिएटर में कनेक्ट करके भी इसे चला सकते हैं, ठीक है। तो मेरे होम थिएटर में कोई USB पोर्ट नहीं है क्योंकि मेरा होम थिएटर जो है बहुत पुराना होम थिएटर है, ठीक है। तो इसे चार्जिंग में कनेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद इसको प्लग इन करूँगा, आप देख सकते हैं, ओके। इसे एज इट इज़ प्लग इन कर दीजिए ऐसे। उसके बाद इसका पावर जो है मैं ऑन करूँगा। तो पावर ऑन करने के साथ साथ यहाँ पे एक ब्लू लाइट इंडिकेट होता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ब्लू लाइट जो है वो इंडिकेट हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो इसको मुझे पेयर करना हो, तो पेयर करने का प्रोसेस क्या है इसके साथ मोबाइल के साथ, तो आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं कोई भी गाना एक कास्ट करके आपको दिखा दूँगा। तो मैं अपना जो दूसरा फ़ोन है इसमें ब्लूटूथ ऑन करता हूँ, ठीक है, फटाक से। तो ऑन करने के साथ साथ इसका सर्चिंग हो रहा है डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डिवाइस में वंडरबर्ड है और दूसरा है आई बॉल का साउंड स्टिक, दोनों का मैं व्हाट इज़ इनसाइड करके रखा हूँ। तो अगर देखना चाहते हैं आई बटन में लिंक छोड़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए अवेलेबल डिवाइस करके लिखा हुआ है जो है BT163 करके इसका डिवाइस का नेम है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए कनेक्ट टू फॉर मीडिया ऑडियो, ठीक है, यानी कि ये कनेक्ट हो चुका है। इसका जो लाइट है आप देख सकते हो वो बंद हो चुका है, अभी बिलिंग बिलिंग कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ भी मेरा जो आप यहाँ पे अपना हेडफोन भी लगा सकते हैं, तो मेरा हेडफोन में कनेक्ट करके आपको दिखाया जाता हूँ। मैं हेडफोन कनेक्ट कर चुका, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक ऑडियो मैं इसमें प्ले करूँगा, ठीक है। तो कोई भी एक ऑडियो प्ले करूँगा, ठीक है। JBL का जो हेडफोन इसमें कास्ट हो रहा है, अगर मैं इसको अपनी इसमें पास के लेके दिखाऊं आपको, थोड़ा साउंड को इंक्रीज करके आप सुन सक पाइएगा, ठीक है। देखिए इस साउंड जो है वो आ रहा है, यानी कि दोनों में ही साउंड बराबर आ रहे हैं, ठीक है।
दोनों में ही साउंड जो है बराबर आ रहा है, स्टेरियो है, तो एक कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप अपनी हेडफोन को भी वायरलेस कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है। इसका जो प्राइस है मैं बोलने भूल गया, इसका प्राइस है 152 रुपीज़ है। तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके खरीद सकते हो। 152 में बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है ये, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छा डिवाइस है 152 में, ठीक है। तो आज वीडियो यही तक था, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।